नमस्कार, मैं हूँ विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में अपराधियों पर अंकुश लगाना नीतीश सरकार के बस में नहीं है। आए दिन व्यापारियों की हत्या खुलेआम की जा रही है। देर शाम गोपालगंज हथुआ मार्केट में एक स्वर्ण व्यवसायी विनय कुमार की हत्या, दुकान पर बैठे रहने पर ही अपराधियों ने आकर मार दी। कहा जाता है कि हथुआ में विनय कुमार सोना चांदी की दुकान करते थे। दिन के 4 बजे दो मोटरसाइकिल पर 4 अपराधी मास्क लगाकर दुकान पर पहुंचे और सर में सटाकर 2 गोली मारा, जिससे घटना स्थल पर ही विनय कुमार उर्फ भीम यादव स्वर्ण व्यवसायी की मृत्यु हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि वो सिवान जिला के रहने वाले थे। प्रत्येक दिन मोटरसाइकिल से आते और जाते थे। विलम्ब होने पर बगल में वाहन के यहाँ कभी कभी रह जाते थे। विनय कुमार मृदुभाषी एक अच्छे व्यवसायी थे। खबर आग की तरह फैली और हथुआ बाजार की दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी। पुलिस मौके पर आकर विनय कुमार के शव को कब्जे में लिया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित किया। बाजार बंद हो गई और विनय कुमार के स्वर्ण व्यवसायी होने के बाद हत्या के बाद स्वर्ण व्यवसायी में भी काफी इस बात का खेद है, डर है कि अब व्यापारियों को बख्शा नहीं जा रहा। अपराधी व्यापारियों को निशाना बना रहे हैं। विनय कुमार उर्फ भीम यादव की दुकान गोपालगंज जिले के हथुआ बाजार में थी, जो देर शाम 4 बजे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों की चीख पुकार खबर मिलते ही सुनाई देने लगी। पुलिस ने कहा कि जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि वक्त रहते क्या अपराधी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या ढाक के 3 पात साबित पुलिस की कार्रवाई होगी। धन्यवाद।